रोहिणी जिला थाना बेगमपुर और स्पेशल स्टाफ के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन कर 24 घंटे के भीतर एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए और इस मामले से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल जानकारी के मुताबिक थाना बेगमपुर पुलिस टीम के पास एक ब्लाइंड मर्डर केस का मामला सामने आया था, जिसको देखते हुए पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। साथ ही इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया और आरोपियों की धरपकड़ के लिए तमाम जगहों पर छापेमारी की गई थी। साथ ही 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया था। इस बीच एक पुलिसकर्मी को इस मामले से जुड़े आरोपियों के बारे में गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ट्रैप लगाकर आरोपियों को धर दबोचा। 7 मई को लेट नाइट आवर्स में पुलिस स्टेशन बेगमपुर एरिया में एक पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को इत्तला मिलती है कि बेगम विहार एरिया में एक पर्सन मेल अनकॉन्शियस कंडीशन में पड़ा है। इमीडिएटली पुलिस टीम मौके पे पहुंची और उस पर्सन को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर हुआ। नेक्स्ट डे जब इसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो हमें पता चला कि जो मृतक की मौत की वजह होमिसाइड थी। तो इसमें हमने इमीडिएटली रेलिवेंट सेक्शन में केस रजिस्टर किया और इसके लिए मल्टीपल टीम्स बनाई गई। इनिशियली ये बिल्कुल ब्राइन केस था। मृतक की पहचान हमने काफ़ी एफर्ट्स के बाद पता किया तो पता चला कि ये गगन एलियस चिंटू, जो बेगम विहार के ही रहने वाला है, उसके रूप में मृतक की पहचान हुई। तो इसमें स्पेशल स्टाफ और पुलिस स्टेशन बेगमपुर की टीम ने काफ़ी एफर्ट्स के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल की और विद इन 24 आवर्स में ही हमने इस केस में दो अलेज्ड पर्संस नीरज और दीपांशु जो हैं उनको हमने नैप कर लिया है। और इनकी मोटिव जो मर्डर का इन्होंने इनिशियल क्वेश्चनिंग में बताया कि इनकी मृतक के साथ कोई पुरानी रंजिश थी, जिसकी वजह से इनका पहले झगड़ा हुआ और उसके बाद मृतक को इन्होंने पीटा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दरअसल इस मामले में मुख्य आरोपी नीरज और दीपांशु है। इन दोनों की मुलाकात गगन से हुई थी और गगन से ये भी सामने आया कि किसी बात को लेकर इन दोनों आरोपियों की नोकझोंक भी हुई थी, जिसके बाद इन दोनों आरोपी नीरज और दीपांशु ने गगन नाम के व्यक्ति को सुनसान जगह पर बुलाया और उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद ये दोनों आरोपी फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस को मिली सूचना के बाद गगन नाम के व्यक्ति को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। लेकिन पुलिस ने ट्रैप लगाकर इन दोनों आरोपी नीरज और दीपांशु को धर दबोचा। वही जानकारी के मुताबिक इन दोनों आरोपियों के साथ एक और शख्स इनके साथ शामिल था, लेकिन अभी वो फिलहाल फरार चल रहा है, जिसकी लगातार पुलिस तलाश में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।